हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, हम डील करेंगे सदर्न माउंटेनियस रीजन से, यानी कि हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस हैं जितने भी पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, उनको देख लेंगे एक बार। तो ये देखिए, आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, ये है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और बेसिकली सदर्न इंडिया कहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया था, ये है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के एक नीचे नदी बहती है जिसे तापी रिवर बोलते हैं। तो उस तापी रिवर या बेसिकली सतपुरा रेंज से ही आप नीचे से सदर्न पोर्शन ऑफ सतपुरा रेंज से आप लगा लो, जितना पोर्शन है वो है सदर्न इंडिया। सो हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आपको दो माउंटेन रेंजेस में बता दूं जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। पहली है विंध्या रेंज और दूसरी है सतपुरा रेंज। तो देखिए, अगर हम विंध्या रेंज की बात करें तो आपको पता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम माउंटेन कौन सा है, वो है अरावली, ठीक है। अरावली श्रेणी जो है सबसे ओल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो। उसके बाद जो है विंध्या रेंज जो है सेकंड नंबर पे आती है, ये जो प्राचीन पर्वत है, ठीक है। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं इनको डिफाइन करना। तो विंध्या रेंज के बारे में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ठीक। तो विंध्या रेंज के बारे में जो है हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं कि इट इज सेकंड मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज। तो फोकस कीजिएगा इस पर, सेकेंड मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज, ठीक है, सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली के बाद सेकेंड नंबर किसका आता है, इस विंध्या रेंज का आता है। अगर मैप में आपको मैं लोकेशन दिखाऊं तो ये हमारा प्यारा भारत, और ये जो है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ये जो लाइन ड्रॉ मैंने की है ये है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के ऊपर एक नदी बहती है नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के ऊपर जो रेंज पहाड़िया श्रेणी जाती है उसे बोलते हैं विंध्यास, ठीक है। और विंध्या के नीचे नर्मदा बहती है, विंध्या एक पर्वत श्रेणी है, और नर्मदा को जो बॉर्डर करता है वो है सतपुरा रेंज, सतपुरा की पहाड़ी, और सतपुरा के नीचे जो नदी बहती है उसे बोलते हैं रिवर ताप्ती, ठीक है। इतनी सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में सारी मैप क्लियर होना चाहिए। इसके एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसके विस्तार की, तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। पहला हम नॉर्थ से साउथ, और दूसरा हम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट टू ईस्ट। और बेसिकली हमें जो है नॉर्थ टू साउथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये देखिए जो पर्वत श्रेणी है ना, ये ऐसे में फैली हुई है, यानी कि ये जो है ईस्ट से, यानी कि वेस्ट से ईस्ट तक फैली हुई। तो वेस्ट में कौन से लोकेशन में ये फैली हुई है, और ईस्ट में कहां तक ये फैली हुई है, ठीक। और फिर इस एक्सटेंशन को देखने के बाद हम बात करेंगे कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है और उसकी कितनी हाइट है, और फिर इसमें किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जोबाट हिल्स क्या है और कैमूर हिल्स क्या है। बेसिकली ये वाला जो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज है, ये मैंने सेंट्रल हाईलैंड वाले वीडियो में कवर कर लिया था, बट फिर भी अगर हम साउथ माउंटेन रेंजेस की बात करें तो एक बार इनको डिफाइन करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हम इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे, हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो हम चले वेस्ट टू ईस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये वेस्टर्न पोर्शन और ये ईस्टर्न पोर्शन। तो देखिए, गुजरात में एक पर्वत श्रेणी, एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ये जोबाट हिल्स। तो भाई यहां पर है हमारा जोबाट हिल्स, और यहां पर बहती है नर्मदा रिवर, और यहां पे है नर्मदा वैली, ठीक है, नर्मदा घाटी, ठीक है, यही नर्मदा घाटी में बसा हुआ है ये जोबाट हिल्स। और आप पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां है बिहार, और बिहार में है ये हिल्स जिसको हम बोलते हैं कैमूर हिल्स। तो यहां पर जो एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं कैमूर हिल्स, ठीक। तो पहला आपने देखा जोबाट हिल्स, जोबाट हिल्स के बगल में है भाड़नेर हिल्स, ये हो गया दूसरा, फिर भाड़नेर हिल्स के बगल में है कैमूर हिल्स, ठीक। तो ये तीन आपने देखे, और ये कैमूर हिल्स कहां पर है, ये है बिहार पर, ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो गए ऑर्डर ऑफ हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये ऐसा इसका डायरेक्शन हो गया। पहले आपको क्या दिखा, जोबाट हिल्स, ठीक।
अब मैं बात कर रहा था इस पूरे पूरे विंध्या रेंज की। विंध्या रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको हम बोलते हैं पारसनाथ। ओके, अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि कैमूर हिल्स इसको बिहार में बोलते हैं और जोबाट हिल्स इसको गुजरात में बोलते हैं, यानी कि इसी विंध्या रेंज को। ठीक है, रेंज बड़ी है लेकिन नाम अलग अलग है। तो ये तो हमने देखा माउंटेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट से ये होके गुजरती है, तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बगल में आपको दिखेगा एमपी, यूपी, यूपी के बगल में आपको दिखेगा बिहार, और बिहार के साउथ में आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो है इन पांचों राज्यों में इसका विस्तार है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइप ऑफ रॉक्स विच आर फाउंड ओवर हेयर, सो हेयर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी रेड सैंडस्टोन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सैंडस्टोन क्या होते हैं, तो सैंडस्टोन बेसिकली दे आर द स्टोन्स विच आर मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ठीक है, छोटे छोटे सैंड्स के पार्टिकल से जो स्टोन्स बनते हैं उसे बोलते हैं सैंडस्टोन। और बेसिकली यहाँ पे रेड सैंडस्टोन, इनका कलर, इनका नेचर जो है सैंड, इनका जो कलर है वो रेड होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। सो मैं आशा कर रहा हूँ कि दिस ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज मोर देन इनफ। और अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज अभी तक देखी है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल राइट दिस वीडियो, सो यू विल बी कैपेबल टू नो दैट दिस विंध्या रेंज एक्ट एज वाटरसेड बिटवीन गैंगटिक सिस्टम एंड साउथ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो विंध्या रेंजेस है, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए विंध्या रेंजेस है, तो इसके ऊपर जो है सारी गैंगटिक रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी का जो गंगा प्रवाह तंत्र है उसकी, वो और उसकी सारी सहायक नदियाँ, उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज इस जो माउंटेन रेंज है इससे ऊपर फ्लो करती है, प्रवाहित होती है। और इसके नीचे जो है साउथ इंडिया का जो है पोर्शन, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विंध्या, फिर उसके बाद सतपुरा रेंज आती है और बीच में नर्मदा वैली, तो यहीं से जो है नीचे साउथ इंडिया का पूरा सिस्टम लग जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, बेसिकली आपको यहाँ से नीचे इसकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है गाइस, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ये विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी बढ़ते हैं और सतपुरा रेंज के बारे में जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड हाँ, लाइमस्टोन रॉक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो विंध्या रेंज है इट एक्ट एज अ डिवाइडिंग रेंज बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया बेसिकली। ठीक, जैसे कि आपको मालूम होगा जब मैं अरावली रेंज आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली रेंज में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन विंध्या रेंज में मिनरल रिसोर्सेज की अभाव है। ठीक है, यहाँ पर उतने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए ही नहीं जाते। फिर आप देखेंगे सतपुरा रेंज आगे चल के देखेंगे अभी, उससे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो विंध्या रेंज है ये एक सेपरेशन लाइन है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो यहाँ तक आपने अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन जानी। आई होप कि आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सतपुरा रेंज की। ठीक है, विंध्या रेंज हमने देखा, सतपुरा रेंज जल्दी से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो रहा है रिकैप। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो सेंट्रल हाईलैंड्स वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, उस पर आप देख लीजिए। उस पर आपको पांच पोर्शन देखने के लिए मिलेंगे, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज और उसके बाद मालवा प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव बुंदेलखंड प्लेट्यू। सो सतपुरा रेंज इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन formed from granite and basalt rocks. It act as a boundary between Narmada and Tapti. ठीक है, जैसे मान लीजिए this is सतपुरा range. ठीक, this is सतपुरा range. सतपुरा के ऊपर मैंने आपको बताया था विंध्या range. विंध्या range के नीचे एक नदी बहती है, नर्मदा बोलते हैं। सतपुरा range के नीचे नदी बहती है, उसे ताप्ती बहती, ताप्ती river. तो ये जो है नर्मदा range, it act as a boundary between this नर्मदा and this ताप्ती. सो इसका जो एक्सटेंशन है गुजरात से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड आई होप कि अभी तक तो आप जान ही गए होंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू किसे कहते हैं, कौन सा रीजन है। ये सारी की सारी वीडियोस देख के आपको इतनी समझ तो डेवलप हो गई होगी, नहीं हुई है तो फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब देखेंगे माउंटेन जो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे लाई करते हैं, राजपीपला सबसे वेस्ट में, फिर उसके बाद उसके बगल में महादेव हिल्स, देन पड़ जाती है मैकाल रेंज। ठीक है, तो ये ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट का। ठीक है, जैसे आप यहाँ से जाएंगे ये वेस्ट, ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपको पहले राजपीपला, फिर महादेव, देन मैकाल रेंज। अब जैसे हर सीरीज़ में हम देखते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। और ये धूपगढ़ कौन से वाले माउंटेन्स पे है, ये जो मैंने आपको बताया था महादेव हिल्स, यहीं पर ये सिचुएटेड है धूपगढ़। और इसकी जो हाइट है 1350 मीटर्स। मैंने बोला था मैकाल रेंज जो है सबसे ईस्ट में है इस पूरे की पूरे सतपुड़ा रेंज के। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे इस मैकाल रेंज की, तो जैसे मैकाल रेंज है ये महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स की सबसे जो ऊंची पॉइंट थी, जो सबसे जो हाईएस्ट पीक जो सबसे ज़्यादा हाई था वो था धूपगढ़। तो वैसे ही मैकाल रेंज में भी सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट तो होगा ना, तो उस हाई पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमरकंटक। ये आपने नाम सुना होगा। और यही जो है यहाँ से जो है नदियाँ निकलती हैं इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, मैकाल रेंज के अंदर ये फॉल करता है अमरकंटक। और इसकी जो हाइट है अमरकंटक की 1065 मीटर। तो ये सब कुछ जो है मिक्स हो चुका है, लेकिन बट अगर आपने लाइन बाय लाइन हर चीज़ देखी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेरा मेन मोटो है आप लोग को समझाना। और इस अमरकंटक से ही नदियाँ निकलती हैं, ओरिजिन है किस किस का, नर्मदा और सोन रिवर का। आई होप इतनी सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। नर्मदा एंड सोन रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक विच इज सिचुएटेड इन मैकाल रेंज। ठीक है, वैसे ही जो धूपगढ़ है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो महादेव हिल्स पे। और ये सारे के सारे राजपीपला, महादेव और मैकाल ये किसके पार्ट है, ये हैं जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा रेंज के। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो सतपुड़ा रेंज नाम है सतपुड़ा, तो जैसे कि आप नाम से ही लगा सकते हो सत सात आ रहे ना, सो इट मीन्स सीरीज ऑफ सेवन माउंटेन रेंजेस। ओके, आपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम तो सुना ही होगा जो कि मध्य प्रदेश में है, वो इसी सतपुड़ा रेंज पर लोकेटेड है। अमरकंटक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो अमरकंटक को तीर्थ राज भी बोलते हैं। तीर्थ राज का मतलब होता है किंग ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ स्थलों का राजा। काफी अच्छी जगह है, एक बार जाएंगे मध्य प्रदेश में तो जरूर विजिट कीजिएगा। आपने पंचमलाई का नाम तो सुना ही होगा, वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, यहीं पर लोकेटेड है सतपुड़ा रेंज पर। और यहीं पर पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो जैसे ही आप नाम देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर बेसिकली वो एरिया होती है जहां पे इट इज अ लैंड टू सेवरल एनिमल्स। ठीक है, सेवरल क्रिएचर्स। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं का जो घर होता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हर एक को मतलब प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको दिख रहा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर्स, तो आपको बहुत सारे जो है जीव जंतु यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन सतपुड़ा रेंज। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि विंध्या जो रेंज है इसके नॉर्थ में, जो विंध्या रेंज जो है, विंध्या रेंज के नीचे बहती है नर्मदा रिवर, और फिर ये है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज के जो नीचे नदी बहती है उसको बोलते हैं तापी। अब देखना, ये दोनों नदियां हैं जो ये वेस्ट को बहती है, यानी कि ये दोनों नदियां वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और फिर तापी के नीचे एक माउंटेन्स आती है अजंता। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा जो रिवर है इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, वैसे तापी जो रिवर है इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन सतपुड़ा रेंज एंड अजंता। ठीक है, तो कोई दो राय वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये हमने फिनिश किया विंध्या रेंज, और साथ में हमने फिनिश किया सतपुड़ा रेंज। तो ये दोनों रेंजेस को हमने देखा क्विकली और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की इनके बारे में। बहुत सारे एग्जामों में यहीं से पूछा गया है डायरेक्टली, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो आपका जो है 100% क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं।
बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स। अब चाहे ये एग्जाम कोई भी एसएससी का हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स हो, तो एक एक चीज बहुत बारीकली आती है यहाँ से। अगर आपने पूरी अच्छे से वीडियो देखी है और ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आप देखते आ रहे हैं ज्योग्राफी की, तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आप सारे के सारे आंसर्स कर सकते हैं विदाउट एनी हसल एंड बसल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गो टू सदर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया विंध्या और सतपुरा, लेकिन जो सदर्न माउंटेन रीजन है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं जो अभी तक मैंने आपको रिवील किए नहीं है। जैसे आपने नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सारे माउंटेन सुने हैं, कार्डमम, पालनी हिल्स, तो यहाँ पर हम ये सारी माउंटेन रेंजेस को मैं आपको बता दूंगा। फिर जो अगली वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए, काफी इन्फॉर्मेशनल होने जा रही है पूरी की पूरी वीडियो। अभी तक आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और आगे भी करेंगे, आई होप सो। तो ये जो हमारा टॉपिक्स हैं अगली वीडियो में इसको हम कवर करने वाले हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को। सो जल्दी से बात कर लेते हैं जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं साउथ में। तो चलिए, मैं ये ड्रॉ करता हूँ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया पेनिनसुलर इंडिया। बेसिकली आपको मालूम है यहाँ से जो शुरू हो जाती है एक रेंज बोलते हैं जिसे हम, यहाँ पे जाके यहाँ तक एंड होती है, यहाँ पे है कन्याकुमारी, और यहाँ से भी एक शुरू होती है रेंज जिसे हम बोलते हैं, ये भी आके कन्याकुमारी में मिल जाती है। इस वाली को हम बोलते हैं मुझे पूरी की पूरी पर्वत श्रेणियाँ कंटिन्यूस है। ठीक है, सो ये है वेस्टर्न घाट्स और जो इधर वाली है इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड पे है ईस्टर्न घाट्स, और ये जो है वेस्टर्न साइड पे है ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब इसके बीच में और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है इधर को, बंगाल की खाड़ी, और ये आपको दिख रही है अरेबियन सी है। ठीक है, नीचे आपको मालूम है इंडियन ओशियन। ओके, सो इस वाले रीजन और इस वाले रीजन, यानी कि इस जो ईस्टर्न घाट्स है और इसके बीच में जो जगह हुआ है उसे हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट। और वैसे इसको क्या बोलेंगे जो वेस्टर्न घाट्स और ये अरेबियन सी के बीच में जो ये सरफेस हमको मिलता है, जहाँ पे रेत वेत आपको देखें, जहाँ पे बीचेस वगैरह होती है बेसिकली ना, तो जैसे गोवा वगैरह हम जाते हैं तो वहां पे वो क्या है, वो वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जान लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको खाली एक बारीक बारीक इंफॉर्मेशन, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया ईस्टर्न घाट्स, उसके बीच में हो गया ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे हो गया वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, अब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तो इसके लिए बेसिकली इतना जो पोर्शन है ना यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस पॉइंट से नीचे आपको एक स्टेट दिखेगा जिसे केरल बोलते हैं। ठीक है, और इधर जो है ये वाला जो सारा का सारा आपको पोर्शन दिख रहा है ऐसे, तो दिस इज तमिलनाडु, इतना तो आपको मालूम है। फिर भाई ऊपर को और जाएंगे तो कर्नाटक लग जाता है, इधर लग जाता है क्या आंध्रा लग जाता है, तेलंगाना, ठीक है, फिर ऊपर महाराष्ट्र, इधर उड़ीसा, तो ये सारे तमाम वहाँ पर ना जाके हम खाली जो इम्पोर्टेंट अभी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो नीलगिरी जो पॉइंट है, जो नीलगिरी माउंटेन्स है ना, तो यहाँ जहाँ तमिलनाडु और जो केरला की बाउंड्री आके मिलती है यहीं पर, और यहीं पर जो है मैंने आपको बताए थे ना ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, तो यहीं पर आके ये भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा नीलगिरी किसका, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया बड़े में ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। ठीक, सो नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और ये जो नीलगिरी हिल्स है ये किसके बॉर्डर में है, ये कर्नाटक, ये जो है बॉर्डर में है तमिलनाडु और केरल के। तो अब जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, ये नीलगिरी हिल्स बेसिकली ये एक्सटेंशन फॉर्म है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का ही, लेकिन यहाँ पर जो मान लीजिए ये पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरीज हैं।
ठीक है। इस नीलगिरी का कोई एक ऊंचा पॉइंट होगा ना, मतलब हाईएस्ट पीक जैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं, तो इसका हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में। इसकी हाइट है 2637 मीटर, 2637 मीटर्स। फिर इसी नीलगिरी पर्वत के नीचे थोड़ा और जाओगे तो अन्नामलाई रेंज आ जाती है, ठीक है, ये भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ये है अन्नामलाई। तो इस अन्नामलाई जो ये पूरा का पूरा माउंटेन ब्लॉक है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका, वैसे ही जैसे इसको मैंने ड्रॉ किया, मैं इसको भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए अन्नामलाई है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो है अनाई मोदी, नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई नहीं, अभी सुन लीजिए। और ये जो अनाई मोदी है इसकी अगर मैं हाइट बताऊं तो हाइट हो जाएगी इसकी, गौर कीजिएगा दोनों की हाइटों में 2637 मीटर और ये है 2695 मीटर, ठीक है, कुछ मीटर्स का फासला है लेकिन है, तो ज्यादा बड़ी कौन सी है, अनाई मोदी। तो अनाई मोदी हो जाएगी पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी कि दिस अनाई मोदी इज द हाईएस्ट पीक इन द एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड ऑफकोर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जाना आपने, इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आप, आपने देखा नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे पालनी पहाड़ियां आती हैं, ठीक है, बेसिकली जो ये है तमिलनाडु पे ही है, इस वाली साइड पे, ठीक है, तमिलनाडु पे है क्या, पालनी हिल्स। अभी तक आपने देखा था अन्नामलाई नीलगिरी दोनों किस पे है, बॉर्डर्स पे है, लेकिन ये जो वाला पार्ट है ये है तमिलनाडु पे, पालनी हिल्स, ठीक है। अब जो दर्रे होते हैं ना, बेसिकली जैसे नॉर्थ में आपने देखा था दीपू दर्रा और क्या नाथुला, ये सारे तो लास्ट में ला लगता है उसमें, तो यहाँ पर वैसी जो पासेस होते हैं जो इस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए होते हैं, यहाँ से इधर जाने के लिए होते हैं, उसके पीछे लगता है क्या घाट्स, ठीक है, जैसे भोर घाट, ठाल घाट, ठीक। तो ये आपने सीरीज देख रहे हो, सबसे पहले आपने नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर उसके नीचे पालनी हिल्स, पालना हिल्स के जो नीचे है इसे बोलते हैं कार्डमम, ठीक है, कार्डमम इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होती है यहाँ पे, कार्डमम हिल्स, इसीलिए इसका नाम जो है कार्डमम हिल्स है, ठीक। और ये जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है पूरे साउथ इंडिया का, ठीक, मतलब वैसे नहीं, मतलब पहाड़ियों के रेंज में अगर मैं बताऊं तो जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां होती है तो उसके कंटेक्स में, इन चारों के कंटेक्स में, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स के सबसे साउथ में कौन सी है, कार्डमम हिल्स, ऐसे आप लोकेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत छोटा देखने के लिए मिल रहा होगा कि इसके नीचे कुछ ही नहीं है, लेकिन इसके नीचे बहुत कुछ है, अगर आप बड़े चश्मे लगा के देखोगे, बड़े दायरे में देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यही दुनिया भी है, ये दूर से देखो तो कुछ ही नहीं दिखता, लेकिन पास जाके देखो तो बहुत कुछ दिखता है। सो ये जो कार्डमम हिल्स हैं ये सबसे सदर्न हिल्स हैं, यानी कि सबसे दक्षिणतम पर्वत हैं, या आप बोल लीजिए दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, कार्डमम हिल्स। अब वापस चलते हैं, जो मैंने नीलगिरी हिल्स बताया था ना, आपने एक नाम सुना होगा ऊटी, ठीक है, इस ऊटी को बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, आपको मालूम है ना कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें बोला जाता है मंडल, ठीक है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, जब चोलास वगैरह आपने पढ़ा है तो वहाँ पे देखा होगा आपने मंडलम करके सुना होगा, तो यही मंडलम नाम से है, और यहाँ पे आगे से लग जाता है UDG, उद्गमंडलम। उद्गमंडलम क्या है, बेसिकली ये कुछ ही नहीं है, ये जो ऊटी हम बोलते हैं ना ये ही है उद्गमंडलम, ठीक है, यहाँ का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये उद्गमंडलम यानी कि ऊटी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में ही सिचुएटेड है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वो भी बेसिकली इस पूरे के पूरे नीलगिरी हिल्स में कहीं एक लोकेशन पे होगा ना, तो वो कहाँ पे, ये जो डोडा बेटा जो आपको मैंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट बताया वहीं पर ये सिचुएटेड है, उद्गमंडलम ऊटी, तभी यहाँ पे जो है काफी अच्छा अच्छा मौसम होता है, कभी जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। वापस चलते हैं इस वाले मैप पे, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, यानी कि इस साइड से, इस वेस्टर्न घाट के इस साइड से इस जाने के लिए जो पासेस यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम घाट्स। तो फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए पास इज इक्वल्स टू घाट्स। तो बेसिकली घाट्स हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक जो है बारीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ छोटी छोटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये है नीलगिरी और ये है अन्नामलाई, इनके बीच में जो घाट है ना
ठीक है, क्योंकि ये तो ऊंचे ऊंचे पॉइंट से यहाँ पे तो हम पर्वत को काट नहीं सकते, कहीं कहीं पर्वत जो है ऊंचे हो जाते हैं, कहीं पे बहुत छोटे हो जाते हैं ना, तो ऐसे वाले पॉइंट जहाँ पे सबसे छोटे हो जाते हैं तो वहीं से हम घाट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये नेचुरल नहीं होते, ये मैनमेड है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस पर्वत श्रेणी है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिवर्स इनको इरोज कर नहीं पाती है, ठीक है, इनको काट नहीं पाती है। जहाँ पे आप ईस्टर्न घाट्स में देखोगे तो ऐसा है कि यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल पासेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे खुद बनाने पड़ते हैं मैनमेड। तो इस पास का नाम है, चलो बेसिकली मैं आपको पहले कुछ पासेस यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो भाई ये तो है नीलगिरी और ये है अन्नामलाई, इसके बीच में जो पास है उसको बोलते हैं, देखिएगा ठीक है, इसको बोलते हैं पाल घाट। अब ये पालघाट काम क्या करता है, ये काम करता है यहाँ पे ये केरल है, आपको मालूम है ये पूरा केरल है, ये तमिलनाडु है। केरल में एक जगह है पलक्कड़, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पलक्कड़। और इस तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, ठीक है, बेसिकली अगर ये यहाँ से और यहाँ कनेक्ट कर रहा है तो बेसिकली पलक्कड़ यहाँ पर होगा और कोयम्बटूर जो है इस वाले रीजन पे होगा। तो ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर आपको पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाना है तो आप कौन से पास का यूज करेंगे, आप पालघाट पास का यूज करेंगे, ठीक है, पास मतलब ऐसी घाट हो गया, ठीक है, तो पालघाट का यूज करेंगे। तो ये हो गया पलक्कड़ टू कोयम्बटूर के लिए क्या पालघाट। अब आप जरा ध्यान देना, ये मैंने आपको एक चीज तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो पालनी हिल्स है ये पूरी की पूरी तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो बीच में अगर हम यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे, यानी कि ऊपर क्या है अन्नामलाई और नीचे क्या है कार्डमम हिल्स, तो इसके बीच में कुछ ऐसी ऐसी माउंटेन्स होंगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक अगर होगी तो बेसिकली गाइज इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे भी एक माउंटेन पास है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक जगह है, एक दर्रा है, एक स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं सेनकोट, ठीक, सेनकोट पास। मैं मानता हूँ कि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो इसलिए यहाँ पे चलिए दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये केरला हमने बना दिया, ये है तमिलनाडु, ठीक। सो ऊपर का पोर्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अन्नामलाई पॉइंट है, इधर पालनी हिल्स इधर है, इसमें नहीं लेते हैं यहाँ वाले टॉपिक में। अन्नामलाई के नीचे आपको यहाँ पे कार्डमम मिलेगी, ठीक है, तो अन्नामलाई और कार्डमम में ऐसे ऐसे माउंटेन्स होंगे ना, कोई एक पीक होगा जहाँ पे माउंटेन बिल्कुल खत्म होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, तो वहाँ पे काट के जो एक रास्ता बनाया उसे बोलते हैं सेनकोट पास, ठीक है, ये है सेनकोट पास, ऊपर है अन्नामलाई, नीचे है कार्डमम, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक जो दर्रा है उसे बोलते हैं सेनकोट पास। और ये सेनकोट पास क्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज करता है, क्योंकि आपको पता है केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम होगा इस साइड पर, और इस साइड होगा तमिलनाडु में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मदुरई, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है किसके थ्रू, इस सेनकोट पास, ये सेनकोट पास ही वो काम करता है, ठीक। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में, मदुरई तमिलनाडु में। ये जो मदुरई शहर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मीनाक्षी टेम्पल, बहुत माफी चाहता हूँ क्योंकि राइट। सो ये सारी हमने देखी, हमने देखा अन्नामलाई, हमने देखा नीलगिरी में, हाँ एक मैं बताऊँ आपको, साइलेंट वैली, अगर आप साइलेंट वैली का नाम सुनेंगे तो ये कहाँ पर है, नीलगिरी पे है, ठीक है। बेसिकली केरला पे है ये, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, और यहीं पर सिचुएटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब ये जो है सबसे ऊपर आपने देखा नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी के नीचे आपने देखा अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे इधर, ठीक है, अगर और साउथ में जाओगे पालनी हिल्स, ठीक है, जो कि तमिलनाडु पे है, और बाकी ये सब केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, नीलगिरी, अन्नामलाई, और सबसे लास्ट में कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अभी तक देखी है। ये जो पालनी हिल्स है ना, पालनी हिल्स पर एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, ये जो तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है, और इसका नाम है कोड़ाई कनाल, ठीक। कोड़ाई कनाल कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है, और वो भी पालनी हिल्स पर, ओके। तो अब जल्दी से देख लेते हैं माउंटेन्स एंड इन देयर लोकेशन।
नीलगिरी जो है सिचुएटेड है कहाँ, केरल और तमिलनाडु पे। अन्नमलाई कहाँ सिचुएटेड है, केरल और तमिलनाडु पे। कार्डमम केरल और तमिलनाडु पे, जैसे कि मैं आपको बताई चुका हूँ। पालनी कहाँ सिचुएटेड है, तमिलनाडु पे। सेवरोय तमिलनाडु पे। जावड़ी हिल्स तमिलनाडु पे। पालकोंडा माउंटेन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स आते हैं वो वाले लग जाते हैं ये, ठीक है। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई माउंटेन आंध्र और तेलंगाना ऊपर को जो लगते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज जानने के लिए मिली होंगी, और अगर मिली हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स, यानी कि इस वाले घाट्स की, फिर इस वाले घाट्स की ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों के बीच में, यानी कि इधर बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो जगह है उसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ये वाले इसको हम बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे इस चीज़ की, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो लोकेशन है, जो लैंड है, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, तब तक ले बाय गाइस और स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।